हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज 9.1 के दो सम किए थे, और उससे पहले हमने आप लोगों को जितना भी हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने कराया था। जिन बच्चों ने वो बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उस वीडियो को वो एक बार देख ले, उसके बाद यहाँ पे आए, ठीक है बच्चे। और हम अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने सामने अपनी मैथ की बुक ओपन कर लें, ठीक है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है 9.1 के, आज हम इनको दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पे हमारे पास आया ऐड द फॉलोइंग, और क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्ट, मतलब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है। और एडिशन और साथ साथ सब्ट्रैक्शन के लिए हमने आपको बताया था कि कौन सी बात ध्यान में रखनी है। हमें ध्यान में रखना है कि टर्म्स लाइक होने चाहिए। लाइक टर्म्स मतलब कि जिनके अंदर वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम रहे, उनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो एज इट इज रखी रहेंगी, ठीक है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है ऑफ एक्सरसाइज 9.1, इसका पार्ट नंबर 1 है। क्या बोलता है, ऐड करना है हमें। ऐड करने के लिए क्या है, ए बी माइनस बी सी। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है, सेकंड है बी सी माइनस सी ए, दूसरा ये है, तीसरा सी ए माइनस ए बी। तो ये है हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको हमें ऐड करना है। तो हम इनको ऐड करते हैं बाय कॉलम मेथड। कॉलम मेथड सबसे पहले ये है हमारे पास, मैं इसको ए बी माइनस बी सी लिख देता हूं। सेकंड है हमारे पास बी सी माइनस सी ए। तो अब जो ये बी सी है इसको मैं ए बी के नीचे तो नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बी और सी वेरिएबल है। बी की भी पावर 1 है और सी की भी पावर 1 है। कहां है पावर, क्योंकि जब ऐसे लिखा होता है तो पावर 1-1 होती है, ये अंडरस्टूड है, और इनके सामने प्लस का साइन होता है। तो बी सी को तो मैं बी सी के नीचे लिखता हूं। फिर हमारे पास आ गया सी ए। सी ए कोई टर्म नहीं है और वो भी कैसा है, माइनस का। तो मैं इसको थोड़ा सा ना अलग लिख देता हूं यहां पे, ये लिख दिया बच्चों हमने। फिर थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है जो क्या है, सी ए माइनस ए बी। अब सी ए के नीचे तो सी ए वाली टर्म आएगी, तो ये जो सी ए आया थर्ड लाइन में यहां आ जाएगा, लेकिन ए बी कैसा है, माइनस का है, तो ए बी तो हमारा यहां है तो यहां नहीं आएगा, थर्ड लाइन में आएगा इसके नीचे, और वो कैसा है, माइनस का है। तो बस ये ऐसे लिखना है आपको। अगर आपको इस तरह से लिखने आ गए तो आप ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। एक बार फिर देखें, जो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था फर्स्ट वाला, इसको तो एज इट इज लिख दो, कोई समस्या नहीं है, लिख दिया। सेकंड के अंदर 2 टर्म है, उन 2 टर्म के अंदर वेरिएबल ए बी और सी है, 3 है। तो लाइक वेरिएबल, सेम वेरिएबल को वेरिएबल के नीचे, पावर को, ठीक है, वेरिएबल और पावर को हमें ध्यान से देखना है और उसी के नीचे लिखना है। जैसे यहां पे बी सी है तो बी सी को हम ए बी के नीचे तो नहीं लिख सकते, कहां लिखेंगे, बी सी के नीचे। फिर आ गया सी ए, तो इनमें इनके अंदर कोई भी टर्म सी ए की नहीं है तो इसको सेपरेट करो, अलग रख दो, यहां रख दिया हमने। फिर थर्ड में सी ए है तो सी ए के नीचे आ जाएगा। फिर क्या है, माइनस ए बी, इसको हम यहां लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अब ये ए बी हमारा प्लस का है और ए बी माइनस का है। जब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए जो नीचे हमारे पास आता है कोई साइन चेंज नहीं होता है, तो ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। इसी तरह से ये कैंसल आउट हो जाएगा और इसी तरह से ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 0। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि सब कुछ ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ये है हमारे पास सिंपल सम। एक पार्ट और देखते हैं इसका, पार्ट नंबर 2। ये है हमारे पास ए माइनस बी प्लस ए बी, इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूं पहले ही, कोमा बी माइनस सी प्लस बी सी कोमा
सी माइनस ए प्लस ए सी। अब इनको ऐड करना है ए माइनस बी, बी में भी बी सी सी ए, ठीक है। अब फर्स्ट को तो मैं सबसे पहले ऐसे लिख देता हूं, यहां पे ए आ गया हमारे पास, माइनस बी आ गया, प्लस ए बी आ गया। फिर हम फिर देखो क्या है, बी है तो बी तो हमारा बी के नीचे ही आएगा। फिर सी है, सी कहीं भी नहीं है तो क्या करते हैं, सी को हम यहां लिख देते हैं। फिर क्या है बी सी, बी सी भी नहीं है तो बी सी को कहां लिख देते हैं, बी सी को यहां लिख देते हैं। फिर हमारे पास है सी, तो सी को तो हम थर्ड लाइन में सी के नीचे लिखेंगे। फिर आता है ए, ए को हम ए के नीचे लिखेंगे जो माइनस ए है। फिर आता है ए सी, ए सी नहीं है तो ए सी को अलग लिख देते हैं। तो आपको बच्चों ऐसे लिखना है, पहले को तो एज इट इज लिख दो, फिर जो दूसरे वाला आया है जो वेरिएबल है उसके नीचे आएगा, सी अगर नहीं है तो अलग से लिख दो, ठीक है। ऐसे ही बी सी को लिख देते हैं। अब इनको ऐड करना है, ओम शांति। तो यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा, सॉरी ऐसे नहीं आएगा ना, ऐसे लगाना सिर्फ डायरेक्ट प्लस। हाँ, अब ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, बी से बी कैंसल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, ए बी, यहां से क्या बचा प्लस बी सी, और यहां से क्या बचा प्लस सी ए। अब इसको भी जैसे हमने ऊपर लिखा था वैसे ही लिख देते हैं हम यहां पे। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये ए माइनस बी प्लस ए बी, फिर आता है बी माइनस सी प्लस बी सी, फिर आता है सी माइनस ए प्लस सी ए, इज इक्वल टू में क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, सी ए लिख दो या ए से लिख दो, बात खत्म, ठीक है। ये दो ऐसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। और ये आपको कब पता लगेगा, जब आपने बेसिक इंट्रोडक्शन देखी होगी कि कब ऐड और कब सब्ट्रैक्ट और कब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है। इसके लिए क्या चाहिए, बेसिक चाहिए। और बेसिक कहां मिलेगा, जिस वीडियो में बेसिक करा रखा है। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले उन बेसिक कंसेप्ट को देखें आप लोग। फिर इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर आता है, फिर आपको ये थर्ड फोर्थ पार्ट अपने आप कर लेने हैं। मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फोर। जो स्टेटमेंट है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करना है हमें 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कहां से करना है, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो सबसे पहले तो क्या करो, आप दो ब्रैकेट लगा लो क्योंकि ये एक से ज्यादा टर्म है। अब जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, इसको मैं यहां ले आता हूं आपके नजदीक। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फ्रोम के बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया है उसको हम पहले लिखते हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, इसमें से। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो पहले आता है और जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं वो बाद में आता है। तो बस ये ध्यान रखनी है, मतलब क्या, जो फ्रोम के बाद नंबर लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, फुल ब्रैकेट आइए। और ये कैसे आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, जो मेथड यहां से हम करा रहे हैं ना, जैसे हमने यहां पे ऐड कराया वैसे ही हम आपको सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं। तो इस मेथड का नाम होता है कॉलम मेथड, ठीक है। अब जब मैं इसको ऐसे लिखने की मैं कोशिश कर रहा था, ये होता है हमारा रो मेथड। हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं और रो मेथड से भी कर सकते हैं। यहां पे हमने कॉलम से किया तो यहां भी कॉलम से ही करते हैं। तो ये हमने पहले लिख दिया। फिर इसके बाद बच्चों ये आएगा हमारे पास 12a, इसको हम सॉरी ये तो हमारा पहले आ गया। फिर आता है ये, इसमें हम a जो हमारा वेरिएबल है उसको a के नीचे लिखेंगे, b जो वेरिएबल है b के नीचे आएगा, ab जो है वो ab के नीचे आएगा, ac जो है वो ac के, ठीक है। इस तरह से लिखने हैं। यहां हमारे पास 4a है, ओम शांति। सॉरी बच्चों थोड़ी तबीयत खराब है, कोऑपरेट करना। तो हमारे पास यहां 4a आ जाता है, ab के नीचे ab आ जाएगा,
बी के नीचे बी वाली टर्म आएगी और 12 यहां आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चों ये लाइन लगाएंगे, और इससे पहले हम क्या करेंगे, यहां सब्ट्रैक्शन लगाएंगे और इस लाइन से ऊपर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे हम, बिल्कुल माइनोर सा स्पेस, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। सब्ट्रैक्ट करना बच्चों हमें आता है ना, बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है जैसे करते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं भाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट के लिए यहां क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का है तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, एक तो जो फ्रॉम आया है जिसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको नीचे लिखेंगे, एक तो बात ये है। दूसरा, सब्ट्रैक्शन के लिए हमें जो नीचे जो हमारे पास सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया है उसमें क्या करना है, हमें उसके साइन चेंज कर देने। ये नहीं है कि अगर माइनस है तो हर एक को प्लस करो ना, अगर प्लस है तो हर एक को नहीं, जिस टर्म का जो साइन है उससे उल्टा लिखना है। माइनस का है तो प्लस करना है, प्लस का है तो माइनस करना है। जैसे यहां पे ये प्लस का था तो हमने माइनस किया, ये माइनस का था तो प्लस, ठीक है, ऐसे करना है। अब ये ए है तो ए वाली टर्म तो एज इट इज आएगी, यहां ए बी है तो ए बी की टर्म एज इट इज आएगी, यहां बी है तो बी आएगा, यहां कॉन्स्टेंट है तो आ जाएगा। अब देखें कैसे, ठीक है, इसको मैं बाद में लिख देता हूं। ए तो हमारा आएगा ही आएगा। अब 12 - 4 इजीली हम बता सकते हैं कि 8 आएगा। इसको आप लोग इस तरह से लेंगे, 12 हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, क्या है, ये 12 बॉयज हैं, 12 बॉयज में से 4 बॉयज चले गए, तो जो बचेंगे, बचेंगे भी तो बॉयज ही हमारे पास, कितने, 8 बचेंगे। अब ये जो ए है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने इसको एक सेकंड के लिए बॉयज मान लिया, आप लोग कुछ और मान सकते हो। आपके पास 12 टॉफीज हैं, टॉफी जो खाते हो ना, वो है जो कैंडीज बोलते हैं उनको, उनमें से 4 कोई और लेके चला गया, तो आपके पास बचेगी क्या, कैंडीज ही बचेगी, ये तो है नहीं कि कुछ और सामान बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से ए भी है, तो बच्चों जब एड सब्ट्रैक्ट करेंगे सामान तो वही रहेगा। तो यहां अब ये जो इनके साथ में जो साइन है ये नहीं हमें काउंट करने हैं, जो सर्कल में हमने साइन लगाए हैं वो काउंट करने हैं, उनको हम कंसीडर करेंगे। अब ये -9 है और ये +7 है, तो ये -9 और +7 तो माइनस के ज्यादा हो गए, कितने ज्यादा हुए, 2 ज्यादा हुए, 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पे क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। फिर ये +7 - 3 तो +5 और -3 प्लस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ऐसे ही ये -3 है, ये -12 है, दोनों माइनस के हैं लेकिन बीच में कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो साइन तो क्या आएगा बच्चों, माइनस ही आएगा, लेकिन हो जाती है क्या, प्लस। तो ये आंसर आ गया हमारे पास छोटा सा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में देखें यही है, सब्ट्रैक्ट करना। जो फ्रॉम वाला है उसको मैं पहले लिख देता हूं, चलो मैं एक बार फिर दोबारा स्टेटमेंट को लिख देता हूं, हालांकि आप लोगों को बोल रखा है कि अपने पास बुक रखें। +5zyz - 7xz, इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, जो फ्रॉम के बाद आएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। अब जो फ्रॉम के बाद है इसको तो हम पहले लिखेंगे, यहां लिख देते हैं 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। अब इसको इनके नीचे लिखेंगे, जो वेरिएबल जो है उसी के नीचे वो टर्म आएगी, 3xy है तो xy वाले के नीचे आएगी, yz है तो yz के नीचे आएगी, xz है तो xz के नीचे आएगी, और कोई टर्म, अच्छा xy और नहीं, xyz की कोई टर्म नहीं है तो नहीं आएगी, ऐसी चीज रहेगा, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका ज्यादा मन करे तो 0xyz लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लाइन लगा देना साइन चेंज करने के लिए। ये प्लस का है तो माइनस का कंसीडर होगा, ये माइनस का होगा, ये माइनस का है तो प्लस कंसीडर होगा, और ये माइनस कंसीडर होगा, तो ये आ जाएगा बच्चों। अब ये xy है तो xy तो
आंसर में मिलेगा ही मिलेगा। कितने एक्स वाई है, इस साइन को छोड़ देना है, निचले वाला जो हमने सर्कल में डाला उसको कंसीडर करना है। 5 - 3 तो प्लस के ज्यादा हुए 2, यहाँ वाई जेड है तो वाई जेड तो आएगा ही आएगा, फिर ये -2, अब ये प्लस नहीं लेना है, ठीक है, ध्यान यही रखना है, तो जो सर्कल में है वो लेना है, -2 - 5 क्या बना, -2 - 5 मल्टीप्लाई नहीं है, कभी माइनस माइनस प्लस कर दे नहीं करना है, जब बीच में कोई मल्टीप्लाई का साइन आता है तब प्लस करते हैं। अब इसके बीच में कोई भी मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो साइन तो आएगा माइनस का ही, बट हो जाएगी क्या प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -7yz। इसी तरह से यहां पे एक्स जेड है, -2 है प्लस 7 है, तो माइनस के तो 2 है प्लस के 7, तो प्लस वाले ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 आ गया। इसी तरह से ये तो 0xyz है, यहां पे क्या आएगा, एक्स वाई जेड तो बचेगा ही बचेगा, +10 है -0 तो +10 ही बचेगा। तो बच्चों ये आंसर है छोटा सा, ठीक है, ध्यान क्या रखना है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आए, सबसे पहली बात तो ये, ऐड करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज देख लेना, हमें ए के नीचे ए है तो आंसर में ए मिलेगा, बी के नीचे बी है तो आंसर में बी मिलेगा, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई है तो आंसर में एक्स वाई मिलेगा। एडिशन में जस्ट ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्शन में जो फ्रॉम आता है, फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है उसको ऊपर लिखते हैं, नंबर या एक्सप्रेशन, उसके बाद जो पहले वाला आता है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके नीचे लिखते हैं, उसके नीचे मतलब क्या, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल। फिर उसके बाद क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि हमें उनके साइन चेंज करने हैं, बस उसके बाद तो आसान ही है। इसके बच्चों हमारा फिर थर्ड पार्ट रहेगा, थर्ड पार्ट आप लोग अपने आप करना, ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात आएगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी बहुत आसान है, सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है मल्टीप्लाई और डिवाइड करते टाइम, क्या करना है कि साइन की मल्टीप्लाई साइन से होगी, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से होगी, और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से होगी, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। लाइक टर्म अनलाइक टर्म कोई मैटर नहीं है, लाइक की भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, अनलाइक की भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, ठीक है बच्चों, ठीक है, तब तक ये काम करें और मेरे पास सेंड करें।